हेलो क्लास 12। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ इथर्स, जो कि है विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन में बेसिकली हम किस तरह की इथर्स बना सकते हैं, सो इसमें हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही तरीके के इथर्स को यहाँ पर बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी इथर है वो कैसे हो सकते हैं, सिमेट्रिकल्स हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे बनेंगे इथर्स वो सिमेट्रिकल्स भी हो सकते हैं और ऑल्सो अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, जो यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। ओके, और जो ये रिएक्शन है वो होगी क्या, विद करवाई जाती है एल्काइल हैलाइड्स में, एल्काइल हैलाइड यानी कि आर एक्स के साथ, आर एक्स इज योर एल्काइल हैलाइड, ये आपका हैलोजन, ये आपका एल्काइल ग्रुप, और टोटल आपस में फॉर्म होंगे एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। और एल्काइल हैलाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, एल्काइल हैलाइड की वजह से यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो भी डिफरेंसेस है वो एल्काइल हैलाइड की वजह से आएगा। सो रिएक्शन को देखते हैं, सो इन फर्स्ट रिएक्शन होगा क्या, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी विथ सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड यानी कि आर एक्स की हम रिएक्शन कर रहे हैं विथ सोडियम एल्कोक्साइड। ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है। सोडियम अगर फिनॉल के ग्रुप के साथ लग जाए, फिनॉल के रिंग के साथ, तो उसे सोडियम फिनॉक्साइड बोल सकते हैं, बोल दिया, बोला जाता है। और अगर वही सोडियम किसी एल्कोहल के साथ लग जाते हैं तो उसे एल्कोक्साइड बोल सकते हैं, तो वही चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड, यहाँ पर बन रहा है सोडियम एल्कोक्साइड है, और ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने R डैश का यूज कर दिया, R डैश बेसिकली सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो R है ये दोनों सिम बराबर भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो सिमेट्रिकल बन जाएगा, और अगर एक जैसे नहीं है या अलग अलग है तो फिर अनसिमेट्रिकल इधर बन जाएंगे, इसलिए वहां पे आर डैश का यूज किया है। मे बी सेम भी हो सकते हैं, सेम है तो सिमेट्रिकल और सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर जो ये बॉन्ड है बिटवीन ओ एन एन ब्रेक होगा, एंड आर एक्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और हमें क्या मिलेगा, एन ए एक्स मिलेगा यहाँ से, एन ए एक्स। अगर यहाँ पे सी एल होगा तो एन ए सी एल मिलेगा, बी आर होगा तो एन ए बी आर मिल जाएगा, वो आगे रिएक्शन होगी। एंड हमें साथ में हमारे क्या मिलेंगे, जो हमें मेन बनाना है वो है हमारे इथर्स, तो हमें यहाँ से इथर्स मिलेंगे। सो ये रिएक्शंस ही बेसिकली होती है। बट एक चीज का आपको हमेशा याद रखना है, जो सोडियम एल्कोक्साइड है, इस सोडियम एल्कोक्साइड में जो ये ग्रुप है यानी कि जो आर लगा हुआ है, ये कैसा भी हो सकता है आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइमरी लो आप, सेकेंडरी लो आप, टर्शरी लो आप, प्राइम अगर आप मिथिल लोगे यानी कि सिर्फ एच 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 लगा है तब भी ओके, और अगर प्राइमरी ग्रुप कोई लगा है, सेकेंडरी ग्रुप लगा है, टर्शरी ग्रुप लगा है, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कितना भी बड़ा कार्बन हो वो ओके है यहाँ पर। लेकिन जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो कैसा होना चाहिए, या तो मेथिल हो, मेथिल इन द सेंस सिर्फ एच एच लगे हो, या तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हो। यहां पर जो एल्काइल है यानी कि एल्काइल हैलाइड में जो आर है ये सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, ये टर्शरी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो एल्काइल हैलाइड है यहाँ पर ये ना तो सेकेंडरी हो और ना ही टर्शरी हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही हो। एल्काइल हैलाइड्स की बात करें, एल्काइल हैलाइड में जो एल्काइल लगा है वो प्राइमरी नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी भी नहीं होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, सॉरी वो सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, टर्शरी नहीं होना चाहिए, प्राइमरी तो होना ही चाहिए, प्राइमरी तो बिल्कुल वो हो ही, प्राइमरी हो या फिर मेथिल ग्रुप हो वो ओके है, उसके अलावा कोई भी विगत या सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो अभी हम आगे देखते हैं। सो फर्स्ट हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन हम जिसकी करवा रहे हैं जिसमें हम यहाँ पर हम पहले चेंजेस करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी लेते हैं और देखते हैं किस तरह से चीजें बनती हैं। सो अगर हम फर्स्ट जो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर विद अवर मेथिल ग्रुप के साथ, अगर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं ये सी एच थ्री ओ एन ए है यहाँ पर, और इसे हम चेक कर रहे हैं विद सी एच थ्री बी आर के साथ, मैंने एच को प्रॉपर खोल के लिखा ताकि समझ में आए। सो यहाँ पे होगा क्या बेटा, ये जो ऑक्सीजन है बिकॉज ऑफ देयर लोन पेयर वो किसके साथ, यहाँ पर वन और थिंग यहाँ पर भी जो मैकेनिज्म है वो SN2 ही फॉलो हो रही है, यहाँ पर भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी,
फॉलो होगी, जिसकी वजह से जो एल्कोक्साइड है वो एल्कोक्साइड इस HBr को यानी कि जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स हैं उनके बैक साइड से उस पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। सो आप ये याद रखिएगा कि इधर के फॉर्मेशन में वो दोनों ही साइड SN2 रिएक्शन ही फॉलो हो रही थी। जब ये एल्कोक्साइड ग्रुप जाकर अटैक करेगा किसके ऊपर, अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो ये लोन पेयर की वजह से बेटा इस कार्बन के साथ वो अटैच होना चाहेगा। अगर वो इस कार्बन के साथ अटैच होना चाहेगा तो ये कार्बन बॉन्ड इसके साथ तोड़ेगा, और जब ये Br के साथ बॉन्ड तोड़ लेगा तो Br को भी अटैच होने के लिए कोई चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए Na यहाँ पे ज्यादा पड़ रहे थे तो भी Na भी यहाँ से निकाल देंगे, और हमें क्या मिलेगा, NaBr रिएक्शन से अलग होता हुआ मिल जाएगा। और फाइनली आप फॉर्म क्या होगा, फाइनली फॉर्म होगा CH3O CH3। ठीक है, एक सिमेट्रिकल टाइप ऑफ इथर हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो ये तो रिएक्शन बहुत इजी थी, ये इजीली हो भी सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो हमने अल्काइल हैलाइड यूज किए हैं वो मेथिल अल्काइल हैलाइड को यहाँ पर यूज किया, ठीक है, CH3 यूज किया है, केवल मेथिल हो सकता है, CH3 ग्रुप हो सकता है या फिर प्राइमरी, इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं होगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पर प्राइमरी लिया और यहाँ पर मेथिल लिया ताकि इजिली आपको समझ में आए कैसे होता है। अब क्या करते हैं, इसको टर्शरी कर देते हैं, इसको अगर हम टर्शरी कर दें और तब ये रिएक्शन करवाए तो देखिए रिएक्शन होती है या नहीं। सो हमने यहाँ पर हमारा जो एल्कोक्साइड ग्रुप था उसको चेंज किया, उसको हमने टर्शरी किया यहाँ पर, ठीक है, टर्शरी एल्कोक्साइड को हमने यहाँ पर यूज किया है। एंड ये क्या है, अभी ये हमने प्राइमरी रखा हुआ है, मेथिल रखा हुआ है ताकि रिएक्शन हो सके। सो होगा क्या इस रिएक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगी रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो एल्कोक्साइड ग्रुप है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किसी भी तरह के एल्काइल ग्रुप को कंटेन कर सकते हैं, दैट इज ओके। सो होगा बेसिकली वही जो भी प्रीवियस हुआ था, जो बिकॉज दे आर लोन पे SN2 पाथवे फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैक साइड पे अटैक करेंगे और यहाँ पे जाकर इसको अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन, है कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन इसके साथ बॉन्ड जोड़ लेगा और यहाँ पर बॉन्ड Na के साथ टूट जाएगा, फिर से वही बनने वाला है NaBr हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और हम इसके साथ हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा एक तरफ तो मिलेगा CH3, ठीक है, और दूसरी तरफ ये जितना बड़ा सा ग्रुप है, इतना बड़ा सा जो टर्शरी ग्रुप है वो जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो एक बहुत अच्छा इथर भी यहाँ से हमें फॉर्म हो सकता है, यहाँ से हमें मिल सकता है। और इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, ये एक बिग कंपाउंड बन गया यहाँ पर, एक बिकॉज एक साइड पे क्या है 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटाइल है यहाँ पर, और यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है। सो नोमेनक्लेचर में आप देखिएगा और बताया मैंने कि जो बिग नंबर ऑफ कार्बन होते हैं हमको काउंट किया जाता है वहां पर। सो यहाँ पर हम बेसिकली ये बात कर रहे थे कि जो बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, सो आपको प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी जो भी यूज करना है आप इधर यूज करेंगे, यानी एल्कोक्साइड में यूज करेंगे, आपको यहाँ पर एल्काइल हैलाइड में कुछ भी चेंज नहीं करने, आप सिर्फ यहाँ पर एल्कोक्साइड में प्राइमरी से सेकेंडरी चाहिए, सेकेंडरी से टर्शरी चाहिए, आपको उतना ही बड़ा बिग ईथर मिल जाएगा। बट ठीक है, ये रिएक्शन आपको समझ में आई, जिसमें हमने पहले क्या किया था, पहले हमने यहाँ पे सिर्फ एच 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 लिखे हुए थे, फिर हमने वापस यहाँ पे CH3 CH3 लगा दिया फॉर द टर्शरी ग्रुप लगाया, और जिसकी वजह से बेटर रिजल्ट मिलता है, एक बेटर बिग अमाउंट ऑफ या बिग बहुत बड़े अच्छे कंपाउंड यहाँ पर हमें मिलते हैं, बेटर रिजल्ट मिलता है अगर हम एल्कोक्साइड्स को चेंज करें। बट जिससे कि मैं स्टार्टिंग से रिएक्शन कहती आ रही हूँ कि यहाँ पर हम एल्कोक्साइड्स को नहीं चेंज करें, सॉरी एल्काइल हैलाइड्स को नहीं चेंज करेंगे। एल्काइल हैलाइड को क्यों नहीं चेंज करेंगे, सो अब एक रिएक्शन ऐसे देखते हैं जिसमें हम एल्काइल हैलाइड्स को चेंज करें और फिर हम अटैक करते हैं तो होगा क्या। सो अब हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को चेंज किया, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो एल्काइल हैलाइड हम यूज कर रहे थे, यानी कि जो RX यूज कर रहे थे स्टार्टिंग से, मैं कह रही थी कि वो सेकेंडरी और टर्शरी ना हो, क्यों ना हो वो रीजन भी हम बताते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैंने बेसिकली टर्शरी यूज किया है ना, टर्शरी यहाँ पर यूज किया, जैसे एक कार्बन है उससे तीन ग्रुप लगे हुए, तो हमने टर्शरी यहाँ पर यूज कर लिया एल्काइल हैलाइड को। तो फाइनली होगा क्या, जब ये ओ बिटावर लोन पेयर आएगा इस कार्बन के पास अटैक करने के लिए, वो जब यहाँ पर अटैक करने के लिए आएगा, और SN2 मैकेनिज्म अगर आपको याद हो बेटा, तो जब वो बैक साइड से अटैक करे वो आगे से अटैक इसीलिए नहीं कर पाता बिकॉज वहां पर पहले से एक न्यूक्लियोफाइल वहां पर लगा हुआ है, वो लगा ही हुआ है तो वो आगे से फ्रंट से अटैक नहीं कर पाता, और वो अटैक करता भी है तो उसे रिपल्शन मिलता है बार बार, इसीलिए वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर रहा।
बैक साइड से भी अटैक करने के लिए उसके पास कोई जगह होनी चाहिए, बिकॉज आप अगर प्राइमर टर्शियरी ग्रुप यहाँ पर देख रहे हैं, सो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सा एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सा एल्काइल ग्रुप है इन कंपेरिजन ऑफ एच। मतलब जब वो यहाँ पर अटैक कर रहा है सो उसे एक बल्कि एल्काइल ग्रुप यहाँ पर मिल रहा है। ये तो मैंने बहुत सिंपल सा बनाया, इसके आगे भी और ब्रांचेस हो सकती है, और नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस अगर हमारे एल्काइल हैलाइड्स पर मोर नंबर ऑफ कार्बन या मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, सेकेंडरी या टर्शरी या अदर फर्दर और ग्रुप अगर वहां पे ब्रांचेस ऐड हो जाती हैं, सो वो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता हुआ ये लोन पेयर जाकर अटैक ही नहीं कर पाएगा। और जब यहाँ पर अटैक वो नहीं करेगा तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ बीटा एलिमिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। बीटा एलिमिनेशन इन द सेंस कि यहाँ से BR अलग हो जाएगा, BR अलग होगा और इधर से क्या होगा, Na अलग होगा, और ये क्या बना लेंगे, ये NaBr बना के अलग हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ ये कैसा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो अलग हो गया। जब ऐसा होगा कि अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया तो जो बीटा कार्बन लगे हुए हैं, इन सबको बहुत अफसोस होता है कि बीटा कार्बन अल्फा कार्बन से एल्काइल ग्रुप चला गया, और हम क्या करेंगे, तो वो क्या करते हैं, बीटा कार्बन से कोई किसी भी एक बीटा कार्बन से एक बीटा हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख दूं CH3, और यहां से एक क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जाके बचे हुए रेस्ट ऑफ द पार्ट है उससे जाकर अटैच हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3OH, यहां से हमें मिलेगा। सो बिकॉज अगर हम बिग एल्काइल हैलाइड की यानी सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड का यूज करने लेंगे तो वहां पर जो सिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं होगी, बिकॉज वो अटैक ही नहीं कर पाएगा एट दैट टाइम, और वहां पर बीटा एलिमिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन वाली प्रोसेस हो जाएगी, जिसमें पहले तो बीआर अलग हो जाएगा, एन से मिलकर वो एनएबीआर बना लेगा। जब बीटा अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया सो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, वो CH3OH यहाँ पर बना लेगा, और रेस्ट हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, CH3 कार्बन CH3, एंड एक बॉन्ड तो जो यहाँ BR से टूट गया वो उसकी वजह से, और इसका एक बॉन्ड H से टूटा जिसकी वजह से यहाँ पे CH2 विद डबल बॉन्ड। तो ये आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एक आपको एल्कीन बनता हुआ मिलेगा यहाँ पे। सो दैट्स वाई, इसलिए हम कह रहे थे कि जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स हैं वो सेकेंडरी या टर्शरी नहीं होने चाहिए, बिकॉज वहां पर बीटा एलिमिनेशन की प्रोसेस होगी, एल्कीन्स बन जाएगा फिर से। और अगर हमें इथर बनाने और गुड अमाउंट ऑफ इथर्स बनाने हैं तो वहां पर ऑलवेज एल्काइल हैलाइड प्राइमरी टाइप के ही हो, प्राइमरी टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड ही यूज करने चाहिए। सो यहाँ से आई थिंक ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। एक और रिएक्शन से, बिकॉज फिनॉल्स को भी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, तो फिनॉल्स के साथ भी ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, किस तरीके से हम उसे देखते हैं। सो फिनॉल्स के साथ जब हम इथर्स को बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर होगा क्या, फिनॉल्स को पहले हमें चेंज करना पड़ेगा फिनॉक्साइड्स में। ये हमने देखा अभी प्रीवियसली किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर उसे ट्रीट करेंगे विद NaOH। जब हम इसे NaOH के साथ ट्रीट करेंगे सो वहां पर सोडियम फिनॉक्साइड्स बन जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड्स बन जाएंगे, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे बनेगा। और जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ बनेगा सो फर्दर इसे हम ट्रीट करवा देंगे विथ RX के साथ, RX यानी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ इसे हम ट्रीट करेंगे। सो क्या होगा, वही चीज है फिर से, RX के साथ जब इसे हम ट्रीट कर रहे हैं तो बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर है, वही पुरानी वाली प्रॉब्लम इसकी, यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर की वजह से क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाला कार्बन एक बिग ग्रुप से जुड़ना चाहेगा जिसके वजह से ये इस एक्स के साथ बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे ये बॉन्ड तोड़ेगा तो ये जाकर अटैच हो जाएगा विद Na, और यहाँ पे हमें मिलेगा NaX, अगेन ये X आपका CLBr कुछ भी हो सकता है, एंड फर्दर हमें क्या मिलेगा, एक इथर बनता हुआ हमें यहाँ पर
मिलेगा जिससे एक आर जाकर अटैच होगा, ये आर जाके वहां पर अटैच हो जाएगा। सो अब आपके आपको ये दिखाई दे रहा है, तो जो ये एराइल्स ग्रुप अटैच होते हैं, बिकॉज आपने जब वहां पर नॉमिनेशन पढ़ा होगा तो वहां पर क्या होता है अनसिमेट्रिकल टाइप ऑफ इथर भी होते हैं, जहां पर एक तरफ पूरी एल्काइल रिंग लगी होती है, एक एरोमेटिक रिंग लगी और एक तरफ कार्बन लगा होती है, एल्काइल ग्रुप लगा, तो अनसिमेट्रिकल टाइप ऑफ इथर यहाँ पर मिलेंगे। सो ये दो प्रिपरेशन मेथड्स थे जो अभी आपने प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में देखा कि हम किस तरीके से एल्कोहल्स के द्वारा एल्कोहल का पहले डिहाइड्रेशन करके और फिनॉल्स में इस रिएक्शन के थ्रू हम इथर्स को बना सकते हैं, एंड ऑल्सो एल्काइल हैलाइड से भी हम इथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट मेन चीज ये है कि जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसे होने चाहिए, वो प्राइमरी टाइप के एल्काइल हैलाइड होने चाहिए, सेकेंडरी और टर्शरी बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पे जो प्रिपरेशन मेथड ऑफ इथर है वो कंप्लीट हो जाती है।